खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एहसान खान। इस वक्त की बड़ी खबर, हम लगातार बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या विवाद को लेकर बड़ा फैसला आया। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आज दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की ये बेंच, जिसमें साफ किया गया मध्यस्थता होगी। 3 मध्यस्थ का पैनल, जिसके अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला को बनाया गया है। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पांचू मध्यस्थों के इस पैनल में शामिल हैं। फैजाबाद में मध्यस्थता होगी, रिपोर्टिंग की नहीं जाएगी, बंद कमरे में गोपनीयता बरती जाएगी। मध्यस्थता की इस पूरी बातचीत को लेकर 4 हफ्ते में आरंभिक रिपोर्ट और 8 हफ्ते में मुकम्मल रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए टीम गठित कर दी है। तो कौन कौन है इसमें? रिटायर्ड जस्टिस FM इब्राहिम खलीफुल्ला, इनकी अध्यक्षता में ये पैनल जो बनाया गया है। 1975 में वकालत करने की शुरुआत की थी जस्टिस खलीफुल्ला ने। 2 मार्च 2000 को मद्रास हाईकोर्ट के जज बने थे। इसके अलावा श्री श्री रविशंकर, आध्यात्मिक गुरु, वो भी इस पैनल में शामिल किए गए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं और पहले भी श्री श्री की तरफ से कोशिशें की गई बातचीत के जरिए अयोध्या विवाद सुलझाने की, और इसमें शामिल किया गया है श्रीराम पांचू को, जो मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और जाने माने मध्यस्थ के तौर पर मशहूर हैं। कई कॉरपोरेट केसेस को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया है श्रीराम पांचू ने और 1990 से मध्यस्थता पर जागरूकता फैला रहे हैं।